वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस, पिछले बार वेजी बाइट्स हम आए थे तो आप सबने वो वीडियो बहुत ही लाइक करी थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद करी थी। 39 रुपीज़ में अनलिमिटेड गोलगप्पे हम आपके लिए लाए थे, लेकिन इस बार 39 नहीं 35 रुपीज़ में हम आपके लिए अनलिमिटेड गोलगप्पे लाए हैं। प्लस एक और ऑफर है दो जनों के लिए, 199 रुपीज़ में यहाँ आपको मिलने वाले अनलिमिटेड नॉर्थ इंडियन थाली। बिल्कुल सही सुना आपने, दो जनों के लिए 199 रुपीज़ में नॉर्थ इंडियन अनलिमिटेड थाली। आप बिल्कुल आइए और ट्राई करिए, सिर्फ लंच टाइम के लिए अवेलेबल है दोस्तों। मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बताई दूंगा और साथ में वीडियो में आपको सब कुछ दिखाई दूंगा। नियरेस्ट बस स्टॉप आपको सरस्वती विहार यहाँ पड़ने वाला है। तो भाई वीडियो पूरी देखिए, लाइक करें, आपके लिए बड़े बड़े ऑफर्स हम लाते रहते हैं दोस्तों। और यार मुझे लगता है आपको ज़रूर लाइक करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए और चैनल सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑफर्स आपको शायद ही किसी और चैनल पर मिलेंगे और हम आगे भी आपके लिए बड़े बड़े ऑफर्स लाते रहेंगे। तो थम्स अप कर दीजिए और आइए हमारे साथ। तो भाइए अब बनने वाला शाही पनीर, इसमें भी सर जो भी ऐड करें बता जाइएगा। बटर ओके, कसूरी मेथी, फिर देगी मिर्च, टमाटो ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी, ये अपना काजू, काजू ग्रेवी, कैसे रेड ग्रेवी। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें तो शायद ही आपको एडिड मिलेंगी, मतलब कैशू की यहाँ पे ग्रेवी ऐड हो रही है शाही पनीर में। गाइस मैंने नहीं देखे सच में किसी रेस्टोरेंट में, पर ऑब्वियसली कैशू तो यार महंगा ही है यार। नमक पड़ेगा, उनका किचन किंग पड़ेगा, ये मेरा अपना मसाला बना रखा है जी, ये ऐड होगा, थोड़ा धनिया पाउडर, बस थोड़ा हल्का शुगर, हल्का शुगर, हाँ सही बात है, शुगर। शाही पनीर तो हल्का सा मीठापन जो आता है ना उसमें, वही तो एक्चुअल टेस्ट देता है शाही पनीर का। तो भाई मैं आपको थोड़े थोड़े शॉट दिखा रहा हूँ, अब इसे पनीर के पीस जलेंगे भाई। तो भाई ग्रेवी हमारे नियरली रेडी है, सर ने क्रीम और बटर भी ऐड कर दिया ऊपर सर, अब जाएंगे सर पनीर के पीसेस। भाई अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी और क्रीम डल रही है, बटर भी डला था। तो यार मैं आपको थोड़ा मेन शॉट्स दिखा रहा हूँ गाइस ग्रेवी के, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में और ज़्यादा मज़ा आए। ये देखिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे अनलिमिटेड है, दो जनों के लिए आप जितना चाहे उतना यहाँ पे खा सकते हैं। ये आपको और आइटम्स दिखाते हैं। और अब डल गया बटर, दाल मखनी पन्नी हमारे यहाँ स्टार्ट होगी, डालेंगे हम देगी मिर्ची, देगी मिर्च, दाल, ये देखिए भाई, और दाल मखनी भाई यहाँ सबसे फेवरेट जो चीज़ लगती है ना गाइस, पंजाबी जो पूरी थाली में नॉर्थ इंडियन मिलती है, मुझे दाल मखनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा वैसे यही चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे रेडीमेड बन रखी है, बस ऊपर से ऐड मसाले कर रहे हैं, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा गर्म मसाला, ओके बस बस। सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ है सर ये, है ना, हाँ मतलब बनाई रखी होती है उसको आपको और थोड़ा तड़का देके गर्म करके फिर आपको सर्व करते हैं। ये आगे भाई क्रीम, चलिए अब इसको दिखाते हैं। तो गाइस ये भी हमारी प्लेट में डलती है। इधर हमारा बन रहा है गाइस क्रिस्पी कॉर्न, सर पूरा नाम क्या है इसका, क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर है, क्रिस्पी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर, बॉइल्ड रेडी हमारे पास। अच्छा बॉइल्ड कॉर्न रेडी है, हाँ जी अब कॉर्न कॉर्न रेडी है, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा और आपका चिली पेस्ट, ओके उसको ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स करना है कि अच्छी तरह अंदर तक थोड़ा मिल जाए। तो उसके बाद हमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, ओके कॉर्नफ्लोर, हाँ जी आप देख सकते हैं। और कुछ ऐड होगा इसमें, और ऐड नहीं होगा, अब सीधा फ्राई होगा, आलू का पानी ऐड कर सकते हैं हम इसमें। भाई ये कुछ न्यू डिश है यहाँ पे, ये शायद ही आपने कहीं ट्राई करी हो। अब ये फ्राई होगा सीधा, हाँ जी अभी सीधा फ्राई होगा, अब ये डीप फ्राई होगा आप देख सकते हैं। और ये काम एक्चुअली आप सोचेंगे कि यहाँ पे गाइस
हर चीज़ ना बहुत ही मेनटेन्ड है। तो यहाँ पर ये वाला काम ग्लव्स के साथ नहीं हो सकता, मिक्सिंग करना, उसमें वो मिक्स नहीं हो पाता ढंग से। भाई हमारे जो क्रिस्पी कॉर्न थे वो फ्राई हो चुके हैं, अब यहाँ पे मसाले वगैरह ऐड होंगे, सब बता जाएगा जो जो ऐड हो रहा है। हमारा ऑयल ऐड हो गया। ओके, ऑयल ऐड के बाद जिंजर और गार्लिक। जिंजर गार्लिक, हाँ जी, जिंजर गार्लिक ऐड हो गया। और हमारे पास ऑनियन और धनिया, ग्रीन ऑनियन, अच्छा ग्रीन ऑनियन, ग्रीन ऑनियन और एक साथ होगा ब्लैक पेपर, धनिया भी साथ में, ब्लैक पेपर, हाँ जी ब्लैक पेपर ऐड होगा। इसको टोस्ट करना है, तो और इसमें हम ऐड करेंगे रेड येलो बेल पेपर। ओके, और इसको भी हमें थोड़ा ढंग से टोस्ट करना होगा। अब देख सकते हैं भाई बहुत फास्ट, बहुत टैलेंटेड। चिली पेस्ट क्या डालते हैं? चिली पेस्ट, चिली पेस्ट। ओके, और का टमाटर कैटअप और का वाटर। हाँ वालों का टेस्ट हिसाब से शुगर डालेंगे इसमें, ऑलियन, अजिनामोटो, साल्ट और ब्लैक पेपर। ओके, और का हमारा व्हाइट पेपर टच होगा, और इसमें हमारा विनीगर और हमारा सोया सॉस, सोया सॉस का टच होगा। और हमारा जाएगा इसमें और ऐड होगा मेन चीज़ ये है, और मेन चीज़ ये कुकिंग ऑयल ऐड होगा, और इसके बाद सीधा कौन चले जाएगा, कौन चले जाएगा ये वही जो वही कौन सा जो फ्राइड होता है। इसके बाद हमारा और ये ग्रीन ऑनियन और ग्रीन कोरिएंडर हमारा रेडी हो गया। धनिया और ऑनियन रेडी हो गया सर, और कुछ ऐड नहीं होगा? और कुछ नहीं है, अब सीधा प्लेट में जाएगा, सीधा ही प्लेट में जाएगा। और चाहिए आपको प्लेट का नक्शा दिखा। तो गाइस इधर हमारा बनेगा मशरूम कुरकुरे। सर जो भी ऐड हो रहा है बता जाएगा सर, ठीक है। भाई कैसी कम है? ओके, कैसी कम, कैप्सिकम, हाँ जी, डिफरेंट कलर्स की है, हाँ जी। ये थोड़ा चॉपिंग हरी मिर्ची, थोड़ा इसमें नमक ऐड। ओके, आगे मार सर, ब्लैक सॉल्ट है? हाँ जी ब्लैक सॉल्ट। इसको हम मशरूम के अंदर करेंगे, मशरूम, अच्छा इसके अंदर फिलिंग होगी, हाँ जी स्टफिंग होगी। भाई ये तो सच में कुछ स्पेशल डिश है यार। यहाँ पे मैं आपको कॉम्बो तो बढ़िया ऑफर तो अपने लाया हुई हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्पेशल आइटम्स यहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं दोस्तों डिशेस के साथ। तो आप देख सकते हैं, शायद ये आपने कहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा यार ये कि मशरूम के अंदर चीज़ वीज़ डालेंगे। और चलिए भाई देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो भाई जो हमारे मशरूम रेडी हुए थे उसको सर ने डाल दिया इस पेस्ट में। अच्छा जो पेस्ट है ये है हमारा कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर है ना सर? हाँ जी, कॉर्नफ्लोर मैदे का मिक्स करके उसमें स्टफ मतलब दबाया और भाई फ्राई करने के लिए डाल दिया। सेम हमारे बाकी पीस चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मशरूम है उसके अंदर चीज़ भी है, तो जब मैं उसे हाफ कट करूँगा शायद वो स्ट्रेच वाली बात आए दोस्तों, तो बहुत हेल्दी भी लग रहा है। तो चलिए जब ये पूरा रेडी होता है तब आपको दिखाते हैं। तो भाई पूरे हमारे रेडी हो चुके हैं, अब देखते हैं अंदर का नज़ारा। ये देखिए भाई अंदर से जो फिलिंग है चीज़ की है, वेजीज़ की है, ये कुछ यूनिक लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली। तो देखते हैं आप आगे, आपको पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब नान वगैरह की तो मुझे ज़रूरत नहीं है शॉट्स लेने की, अब आपको ना पूरी प्लेट के नज़ारे दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो भाई सच बताऊँ तो ये होता है हेवन, और मेरी फैमिली के मेम्बर के मुँह में पानी ना आए ये सब देख कर मैं मान ही नहीं सकता यार। देखो एक बारी भाई, अच्छा बात ऐसी है कि अगर मैंने खाना चालू कर दिया ना तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा इनके रेट्स वगैरह, तो मैं पहले ही अपने मुंह में पानी कंट्रोल करके आपको रेट बता देता हूँ। एक बारी गाइस ये दोनों आप थाली देख रहे हो, तो आपको मिलने वाला है एक थाली में 199 रुपीज़ में अनलिमिटेड फॉर टू पर्सनस। मैं तो कह रहा हूँ भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी है आ जाओ, बेस्ट फ्रेंड जो भी, जितना अपने दुश्मन को भी ले आओ यार भाई 199 में खाना मिल जाता है इतना बढ़िया अनलिमिटेड, तो भाई मैं तो कहूँगा दुश्मन को भी ले आओ अपने। अब बाकी आइटम्स की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गोलगप्पे लवर्स जो है इनके लिए 35 रुपीज़ में अनलिमिटेड गोलगप्पे हैं, सेम प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाली है।
तो 30 रुपीज़ में भी आपने देखे हुए हैं गोलगप्पे अनलिमिटेड, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे दोस्तों। अब आते हैं बाकी आइटम्स पे। तो इधर हमारा क्रिस्पी कॉर्न्स है, ये जो है तो ये आपको मिलने वाला है 209 रुपीज़ में, इतनी ही आपको मिलने वाली क्वांटिटी जितनी हमें मिली है। बाकी इस तरफ आते हैं तो इधर हमारा मशरूम कुरकुरे, ये दोनों नई डिशेज है जो हम ट्राई करने वाले हैं, ये 245 रुपीज़ का पड़ने वाला है। आपको मैंने दिखाई दिया क्या क्या इसमें ऐड है, साथ में ये यार प्रेजेंटेशन के लिए है, बट आपको मिलेगा इसी में प्लेट्स में मिलने वाला है। बाकी दो मॉकटेल्स हैं, आप जो उनसे चाय ले सकते हैं 109 रुपीज़ में, ब्लू हेवन ले सकते हैं, मिंट वाली ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, तो जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं बिल्कुल। अब मैं करता हूँ खाना स्टार्ट। सब कुछ बता दिया? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको मैंने टाइमिंग नहीं बताई। ये जो आपको अनलिमिटेड प्लेट मिलने वाली है ना, ये सिर्फ आपको लंच टाइम के लिए मिलने वाली है, 1 to 5, 7 days, 1 to 5 बजे के बीच में आओ, 2 जने आओ, 200 रुपये में पेट भर के खाओ। 4 जनों की फैमिली हो है अगर तो 4 जने आओ, मैक्सिमम 4 जने ही अलाउड है गाइस एक फैमिली में। ये नहीं कि पूरी आप जनता उठा लें एक ही बारे में और कहने के नहीं यार हम तो बस भीड़ जमा कर दे, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखने के कारण यहाँ पे कम को आप देखेंगे तो कम लोगों की वजह से, ताकि कम रहे, भीड़ ज़्यादा ना रहे। अभी मैं आपको एक बार एमबीएस दिखाता हूँ, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है। मुनीश आपको पूरा एक दिखा देगा, ओवरव्यू दे देगा, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और मैं वेजी बाइट से हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहा हूँ हर चीज़ में। आप अगर पैकिंग करवाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड तो नहीं मिलने वाला, लेकिन 50% ऑफ पे आपको साथ में ये सैशे भी मिलने वाले हैं, ये सैनिटाइजर्स हैं, ये भी मैंने कहीं नहीं देखा, यहीं पे देखा मैंने। तो चलिए हो गया सब फाइनल, अब करते हैं खाना स्टार्ट। बहुत देर से वेट कर रहा था यार मैं। अनलिमिटेड रिफिल्स है, जो चाहिए भाई वो आप ले सकते हैं, पापड़ तक भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पे। और तो क्या लोगे भाई, शाही पनीर देख के ना मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा था। ओह सच बता रहा हूँ, जब इतना सारा खाना सामने हो ना, वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मेरे लिए छोड़ो यार, जो आपके कैमरे के पीछे है ना, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भाई एक मिनट, जुबान पे आते ही स्वाद छा गया, बहुत टेस्टी ग्रेवी है। और भी यहाँ का पनीर मैंने ट्राई करा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में टेस्ट बताऊंगा गाइस, क्योंकि इतना सारा आइटम से टेस्ट करने के लिए यार वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। दाल मखनी आप देखेंगे, मैं आपको चम्मच से एक बार कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ दाल मखनी की, जो क्रीमी टेक्सचर है ना, कैसा आपको मिलने वाला है देख सकते हैं आप। क्रीमी टेक्सचर और स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कमाल। दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत बेस्ट हैं, जो कि आपको थाली मिलने वाली है दो सब्जियों के साथ। यार इतना तो ढाबे में भी नहीं मिलता अनलिमिटेड, जो आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मिलकर खा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है यार। एक लाइक करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पर आए यार किसने रोके, जल्दी आओ यहाँ पे। और चीज़ टेस्ट करते हैं, अब अगर चाहते तो रायता प्लेन भी दे देते, लेकिन रायते में भी आपको अनार मसाला मिलने वाला है। और ठंडा ठंडा रायता गर्मा गर्म नान और सब्जी के साथ, आइए गोलगप्पे पे आते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो गोलगप्पे क्रैक्ड थे, मैंने बोल दिया था, तो आपको समझ ही गए होंगे कि मैं भाई मैंने कोई पेड़ प्रमोशन वगैरह नहीं करता यहाँ पे, जो सच था जो मुझे पसंद आया वो मैंने आपको बताया था, थोड़े पॉइंट डाले मैंने। इस बार क्रैक नहीं है, इस बार बिल्कुल सही है। बहुत गर्म भाई, मशरूम कुरकुरा मैंने पहली बार यहीं पे देखा अभी, और मैं इसको बहुत देर से मतलब भूख रहा था टेस्ट करने के लिए। चीज़ थोड़ी ठंडी हो गई होगी, आप जब ऑर्डर करेंगे ना तो भाई गर्मा गर्म खाना, वो चीज़ का मज़ा आएगा, गर्मा गर्म चीज़ का
तो गाइस ये टेस्ट उसका मैं बताऊँ तो कुछ यूनिक सा टेस्ट है। बाहर बहुत ही कुरकुरे वाली जो क्रिस्पीनेस है जैसे पकौड़े की आती है वो वाला आपको मिलने वाला है। अंदर आप देखेंगे जो टेस्ट इन्होंने जो चीज़ें डाली है ना टेस्ट उसी का ही आ रहा है। चीज़ का मैं ठंडी हो चुकी है इतना टेस्ट नहीं आ रहा, बट आपको वेजीज़ का ये जो डाली थी शिमला मिर्च डाली थी तो उसका टेस्ट आने वाला आपको, तो कुछ डिफरेंट टेस्ट है इसका। अगर आपको मशरूम पसंद है तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। अब इस पे आते हैं, ये चीज़ मैंने पहले ट्राई करी थी और ये मेरी फेवरेट बन रही थी यहाँ पर, क्योंकि मैं पिछली बार आया था जब सरनम जो ट्राई करवाया था कुशल जी ने तो मैं इसका फ़ैन बन गया था। मैंने कहा था नहीं यार ये तो मैं कवर करूँगा ज़रूर डेफिनेटली अपनी वीडियो में। क्रिस्पी कॉर्न्स, बट मैं इसे नाम देना चाहूँगा चिली कॉर्न्स, क्योंकि चिली पनीर चिली पोटैटो वाला जो आपको स्वाद मिलता है ना आपको वही स्वाद मिलने वाला है लेकिन कॉर्न्स में। तो मैं इसको चिली कॉर्न ज़्यादा कहूँगा, थोड़ा बड़ा नाम है इसका क्रिस्पी पेपर वेपर जो भी है, बहुत चार पांच वर्ड्स का नाम है चिली कॉर्न्स, बहुत अच्छा नाम है इसके लिए। भाई हर एक चीज़ इतनी गजब है, इतनी गजब, आप एक बार आ गए ना आपने ट्राई कर लिया ना मैं कह रहा हूँ आप मेरे भी फ़ैन बन जाएंगे कि भाई इतनी बढ़िया आपने जगह दिखाई है हमें, तो आपका चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ कि वीडियो लाइक करो, मैं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स आपके लिए लाता रहूँगा गाइस, और सब्सक्राइब करो शेयर करो जितना हो सके ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भी जितनी मेरी पावर बनेगी गाइस जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे आगे उतनी ज़्यादा मैं रेस्टोरेंट से बात करने में मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चुन चुन के ऑफर्स निकाल पाऊँगा, तो मेरी भी हेल्प करिए। तो भाई एक ऑफर और है आप सबके लिए, ये सब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो मेरी फैमिली के मेम्बर है जो सब्सक्राइब करेंगे ना इस चैनल को उसके लिए 30% ऑफ का एक कार्ड ये स्पेशली देंगे अपनी तरफ से, प्रिंटेड कार्ड, उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखिएगा और प्लीज़ आप आइए सब्सक्राइब करिए, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा चैनल, तभी आप वो कार्ड ले सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब करके ये सारी चीज़ का फ़ायदा उठाइए, 30% ऑफ आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे एक और अच्छी वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।